तो एग्जिट पोल के नतीजों के बाद अमित शाह ने आज एनडीए के नेताओं के साथ बैठक बुलाई है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह चुनाव के बाद के नतीजों पर चर्चा करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी मंत्रिमंडल के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आगे की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद अमित शाह ने एनडीए के सहयोगियों की बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री भी आज मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बैठक करेंगे। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद रणनीति बनाने के लिए एनडीए के सहयोगियों की बैठक बुलाई गई। अमित शाह एनडीए के सहयोगी दलों की के साथ बैठक करेंगे शाम में, और वहीं प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं उनके साथ बैठक करेंगे। मैं सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ललित, आज एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक अमित शाह के साथ और मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक, आज भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, उस एग्जिट पोल के नतीजों के बाद आप ये मानकर चल सकते हैं कि जिस तरह से आज बैठक होने जा रही है, ये कहीं ना कहीं एक आगे की रणनीति है। प्रधानमंत्री अमित शाह और पार्टी के जितने भी मंत्री हैं वो सभी लोग जो है आज बैठक होगी। मंत्रिपरिषद की जो बैठक होनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बैठक है, और इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जितने भी लोग मंत्री हैं वो सभी भाग लेंगे, और आगे की रणनीति को लेकर विचार किया जाएगा कि अगर मेजोरिटी आती है तो उसके बाद किस तरह की कार्रवाई करनी है, कैसे एजेंडे के साथ कैसे आगे बढ़ना है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए और उसके बाद जो है अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी एनडीए के सहयोगी दलों के साथ डिनर भी लेंगे, और डिनर देने के बाद उसमें भी कई लोगों के आने की उम्मीद है, जिसमें कि शिवसेना से उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जो है इस डिनर में शामिल हो सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।